तुम्हें चैन की नींद नहीं सुने दूंगी। आइए महाराज जी तुम्हें बता दें, आज ये महल जो सन्नाटा सा दिखाई पड़ रहा है बाकी, सबसे पहले तू ये बता कि छोटी महारानी कहाँ है और बड़ी महारानी? बड़ी महारानी जी आराम कर रही है और छोटी महारानी को भोन भी गई। छोटी महारानी को भोन में? जी हाँ। क्या किसी ने उन्हें कुछ कहा है बाजी? जब उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा तो फिर कौन फोन में जाने का कारण क्या बनता है? ठीक बाजी, तू अपने ड्यूटी पे जा, मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि उन्हें हुआ क्या, किस बात की परेशानी आई। अगर किसी ने कुछ कहा होगा तो उसका हम जवाब कटवा लेंगे। अगर किसी ने कुछ से देखा होगा तो हम उसका आंखें निकलवा लेंगे। वो हमारे प्राणों से भी प्रिय है, चलकर देखो तो। आने दो महाराज जी। वास्तव में इनके कलेजे पे कुछ ठेस पहुंचा है जो कि इस हाल में तो चमक रहा है चेहरा तेरा गुलबदनी Thank you.
आपको क्या हो गया? किस बात की आपको तकलीफ आई थी? ये मैं कौन आपकी होती हूँ जो मुझे सताने मत खड़े रहना। अरे प्रिय तुम कहाँ जाओगी? जानम में जाऊंगी, मैं अपने जंगल की तरफ चली जाऊंगी। आपसे वास्ता क्या है प्रिय? मत जाओ ना, तुम हमारे क्या होगे? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिता दूंगी। मैं आपका सच नहीं देखूंगी। सच में तुम चली जाओगी तो हमें सलमान सिंह से भेंट करना पड़ेगा। अगर आप चले गए तो हमें सलमान, अरे चाहे सलमान से भेंट करो चाहे फांसी खा के मरो, मुझे क्या वास्ता है? क्या सब चली जाओगी?
अरे तुम रूठ जा, तुम चाहते हैं अब या नहीं, हम रखेंगे, हमने एक कसम लिया है। तो मैं रहूंगी तो एक शर्त पे। वो क्या? वो शर्त आपको मंजूर होता? हम पहले बोल दिए हैं कि एक नहीं चार पांच शर्त हो तो हर शर्त आपका पूरा होगा। देखिए महाराज जी, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगा। लेकिन आपका बात हमारे समझ में नहीं आया। अगर आप मुझे इस महल में रखना चाहते हैं तो बड़ी महारानी को इस महल से निकालना होगा। ये क्यों बहुत झटका लगा? क्या आपको बड़ी महारानी ने कुछ कहा है? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो हाँ करो, नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं अपने जंगल में चले जाऊं। प्रिय, यहाँ कोई नहीं, जाने अनजाने में अगर बड़ी महारानी की तरफ से कुछ गलती हो गया हो तो उनके गुनाहों का। महाराज जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहती। अरे भगवान, आपके पास कितना गुस्सा है प्रिय? जब आप बड़ी महारानी को नहीं निकालेंगे तो मुझे जाने दीजिए, रास्ता छोड़ दो। लोग कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? मेरा नाम बदनाम होगा, मेरा नाम बदनाम होगा। मैं चली जाऊंगी अपने जंगल की तरफ तो क्या नाम बदनाम होगा? मैं अपनी जिंदगी उसी जंगल में बिता लूंगी। हम दोनों को नहीं जाने देंगे, और चलो लौट चलो। जी नहीं, हम बड़ी महारानी से बात करेंगे, अगर उनका गलती साबित होता है। कुछ नहीं जानती हूँ महाराज, अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो मैं महल में चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं प्रिय, आपको हम नहीं छोड़ने देंगे, भले ही हमें बड़ी महारानी को निकालना पड़े महल से, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना होगा, लौट चलो। ठीक है, मैं आपको यहीं पे इंतजार करूंगी। आप जाइए, महारानी को निकाल कर आइए, यहाँ मेरा इंतजार करोगी? जी हाँ। अरे इतना धूप हो रहा है, आजकल का जमाना जानती हो कितना बर्बादी पे चलता है? मुझे जमाने से कुछ नहीं लेना देना। अरे रोज कितना केस दर्ज होता है, आजकल का जमाना ठीक नहीं, यहाँ रहना तुम्हारा मुनासिब नहीं। क्यों? अरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? एक औरत बैठी है, तुम्हारे तरफ टूट पड़ेंगे। प्रिय, टूट के क्या करेंगे? मुझे खा जाएंगे? ये तुम्हारी प्यारी प्यारी सूरत को देखकर
और वो पागल हो जाएगा तो तुम्हारे अरे हो जाएंगे, उधर ही पागल होकर मर जाएंगे। नहीं जाओगे? जी नहीं। ठीक है, कहीं मत जाना, हम बड़ी महारानी को निकाल के आपके पास आएंगे। पिए ठीक है, जाइए, मैं इंतजार करूंगा। न जाने की कलेजा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, धड़क रहा होगा और क्या हो रहा है। तुम्हारे बगैर हम रह ही नहीं पाएंगे, मैं तो रह जाऊंगा। आपका कलेजा इतना कठोर पत्थर, अरे भगवान। लेकिन हमारी कसम है तुम्हारे ऊपर, यहाँ से कहीं दूर मत जाना। मेरे ऊपर भी किसी का कसम नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी, इंतजार करूंगी। अब मैं देखती हूँ कि तुम से निकल के आते हो या नहीं, ये भी इंतजार करोगे। बाजी खुश रहा बादी। बादी एक बात समझ में नहीं आता है, हर दिन महाराज सवेरे उठ करके मेरे पास आ जाते थे, आज इतना समय हो गया अभी तक मेरे पास नहीं आए। अच्छा जाओ मंत्री को बुला कर मेरे पास लेके। मंत्री साहब, महाराज जी आज समय के 10 बज रहे हैं लेकिन महाराज जी अभी तक मेरे पास नहीं आए, क्या बात है? महाराज जी हम भी नहीं जानते, महाराज जी जरूर आते ही होंगे। चलो कोई बात नहीं, आप अपने ड्यूटी पे जाइए, मैं चल करके खुद पता कर लेती हूँ क्या क्या है। मैं भी कितनी पागल हूँ, पहले अकेली थी तो महाराज के उतना शासन नहीं होता था, अब कभी मेरे पास कभी छोटी रानी के बाद दौड़ते दौड़ते बेचारे थक जाते हैं, तो लगता सो गए हैं, जगह में ही खोज गा लेती हूँ। अरे अपने बलमा क्या जगावे सावर गोरिया, अपने बलमा क्या जगावे सावर गोरिया, छोरियों से पूरा रात बीतता जा रहा है लेकिन नींद नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि हमें हार्ट अटैक आ जाए। भगवान भोलेनाथ आज क्या से क्या दिन दिखा दिए, हमारी भक्ति में क्या कमी हुआ बोली। आज इतना समय तक सो रहे हैं, क्या बात है? तो मेरे प्यारे आपको क्या हुआ मेरे प्यारे?
अरे प्रिय महारानी, हमारे सर पे गम का गठरी टूट पड़ा। महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? देख रहे हो पूरा रात बीत गया।